नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्वचा पर होने वाले चकत्तों के बारे में, जिसे कि हम स्किन रैश भी कहते हैं। तो दोस्तों, त्वचा पर चकत्ते होना क्या होता है? तो ये त्वचा पर व्यापक रूप से फैले घाव होते हैं और त्वचा पर चकत्ते का होना एक बड़ा मेडिकल टर्म है। त्वचा पर चकत्ते अलग अलग प्रकार के और बहुत अधिक संख्या में उपस्थित हो सकते हैं और इसके कई संभावित कारण हैं और इसके कई प्रकार होने के कारण इसके उपचार के भी कई प्रकार होते हैं। और ये चकत्ते शरीर के सिर्फ एक छोटे हिस्से तक भी रह सकते हैं और शरीर के अन्य कई हिस्सों में भी फैल सकते हैं। त्वचा पर चकत्ते के कई रूप होते हैं। ये सूखे, नम, उभरे हुए, खुरदुरे या फिर चिकने वगैरह के रूप में दिखाई दे सकते हैं और इनके कारण दर्दनाक खुजली उत्पन्न हो सकती है और त्वचा के रंग में परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, त्वचा के चकत्ते त्वचा में सूजन, जलन और इसके रंग में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे कि त्वचा की सामान्य दिखावट खराब हो जाती है। और चकत्ते उत्पन्न करने वाले कारक कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें कि इन्फेक्शन, गर्मी, एलर्जिक पदार्थ, प्रतिरक्षा प्रणाली विकार और दवाएं भी शामिल है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि त्वचा पर जो ये चकत्ते होते हैं ये कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो दोस्तों, चकत्तों को खुजली वाले और बिना खुजली वाले ऐसे दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है। बात करें दोस्तों खुजली वाले चकत्तों के प्रकार की, तो उसमें होता है पित्ती और वेल्ट्स यानी कि अर्टिकारिया, कीटों द्वारा काटना जिसे कि हम बेड बग्स भी कहते हैं, खाज यानी कि स्कैबीज जो कि माइट के कारण होने वाला एक इन्फेक्शन है, एक्जिमा यानी कि त्वचा की एलर्जी, सूखी त्वचा जिसको कि हम जेरोसिस भी कहते हैं, गमोरिया जो कि नमी, गर्मी, घर्षण के क्षेत्रों में जलन या सतही इन्फेक्शन हो सकता है, और साथ ही साथ कुछ प्रकार के वायरल चकत्ते वगैरह। और दोस्तों बात की जाए बिना खुजली वाले चकत्तों की, तो उसमें होते हैं रोजेसिया और सोरायसिस। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि त्वचा पर जो ये चकत्ते होते हैं इसके क्या लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर चकत्तों में खुजली या फिर उनको छूने से खुजली शुरू हो जाती है। हालांकि कुछ प्रकार के गंभीर मामलों में चकत्तों में खुजली और जलन भी होने लगती है। चकत्ते कई अलग अलग रंग, आकार और पैटर्न में निकल सकते हैं। त्वचा में सूजन और जलन पैदा करने वाला ज़्यादातर चकत्ते लाल रंग के होते हैं। तो दोस्तों, चकत्तों को कुछ रूपों में वर्णित किया जाता है, जैसे कि समतल और धब्बेदार, ऊपर की तरफ उठे और उभरे हुए जिसे कि हम दानेदार कहते हैं, और साथ ही साथ शीट की तरह ऊपर उठे हुए जिसे कि हम प्लाक कहते हैं, समतल और ऊपर की तरफ उठे हुए चकत्तों का मिश्रण जिसको कि हम मैक्यूलो पैप्यूलर कहते हैं, और छोटे छोटे पीप वाले दाने जिसे कि हम पुस्टुलर कहते हैं। साथ ही साथ एक्निया फॉर्म यानी कि मुहासे जैसे छोटे या बड़े आकार के पिंपल्स, साथ ही साथ छोटे स्पष्ट फफोले जिसे कि हम वेसिक्यूलर कहते हैं, लाल या फिर गुलाबी रंग के चकत्ते, त्वचा में छोटे छोटे निशान जिनसे कि खून निकलता है जिसे हम पैटेचियल भी कहते हैं, सफ़ेद और चांदी जैसे रंग के चकत्ते जिसे कि सोरायसिस कहते हैं, और शुरू में सूखे, परतदार और खुरदुरे तथा कुछ समय बाद रंग बिगड़ना और मोटाई बढ़ना जिसे कि हम एक्जिमेटस कहते हैं, और छिला हुआ या फिर जिन क्षेत्रों में खरोंच वगैरह लगना जिसे कि हम एक्सकोरिएटेड कहते हैं, और यह किसी अन्य चकत्ते के साथ भी हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों बात करेंगे कि डॉक्टर को आपको कब दिखाना चाहिए। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो कि होने पर डॉक्टर को आपको दिखा लेना चाहिए, जैसे कि अगर त्वचा में छोटे छोटे लाल रंग के दाने बने हुए हैं जो कि छूने से महसूस नहीं होते और दबाने से हल्के नहीं होते, अगर त्वचा पर कोई नीला निशान पड़ा हुआ है जो कि किसी चोट वगैरह से संबंधित नहीं है, अगर चकत्ते में एक हफ्ते तक भी कोई सुधार नहीं आया, गले में दर्द, जोड़ों में दर्द, अगर हाल ही में किसी जानवर या कीट वगैरह से काटा हो, चकत्ते के आसपास लाल रंग की धारियां हो, चकत्ते के आसपास की त्वचा को छूने पर दर्द होता हो, अत्यधिक मात्रा में मवाद या फिर पीप इकट्ठा होता हो, त्वचा के रंग में तेजी से बदलाव होना, सांस लेने में कठिनाई या घुटन महसूस होना जैसे कि गला बंद हो गया हो, दर्द बढ़ना या फिर गंभीर हो जाना, उच्च बुखार होना, उलझन होना यानी कि कन्फ्यूज़न, चक्कर आना, चेहरे या हाथ पैरों में पसीना आना, गर्दन में दर्द, सिर में दर्द या फिर बार बार उल्टी आना या दस्त लगना, तो ऐसी स्थितियों में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि त्वचा पर चकत्ते क्यों होते हैं, इसके होने के क्या कारण होते हैं और क्या क्या जोखिम कारक हो सकते हैं। तो दोस्तों, त्वचा पर चकत्ते के कई संभावित कारण हो सकते हैं, जिनमें कि एलर्जी, रोग, रिएक्शन और दवाएं वगैरह शामिल है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कवक इन्फेक्शन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। त्वचा के चकत्ते के कुछ सामान्य कारणों की बात करें तो उनमें है डर्मेटाइटिस,
तो यह चकत्ते के सबसे सामान्य कारणों में से एक है और यह तब होता है जब किसी एलर्जी रिएक्शन करने वाली चीज को छुआ जाता है। त्वचा जो है वो लाल हो सकती है और सूजन हो सकती है और चकत्ते उभर सकते हैं। दोस्तों दवाओं की बात करें तो कुछ प्रकार की दवाओं के कारण कुछ लोगों में चकत्ते पैदा होने लगते हैं जो कि एलर्जी का कारण होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए इन्फेक्शन की तो फंगल बैक्टीरिया और वायरस वगैरह के कारण हुए इन्फेक्शन भी चकत्ते पैदा कर सकते हैं और चकत्ते जो है वो इन्फेक्शन के प्रकार के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। और दोस्तों बात की जाए स्व प्रतिरक्षित स्थितियों की जिसे कि हम ऑटो इम्यून रोग कहते हैं तो दोस्तों यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली उसके शरीर के स्वस्थ ऊतकों पर आक्रमण करना शुरू कर देती है। स्व प्रतिरक्षित रोग कई प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ के कारण चकत्ते भी बनने लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाएगी त्वचा में चकत्ते को उत्पन्न करने वाली कुछ सामान्य स्थितियों की बात करें तो उसमें सबसे पहला है दोस्तों शिंगल्स, जिसे कि हम हर्पीस जोस्टर कहते हैं। तो यह एक उभरे हुए दाने होते हैं जो कि दर्दनाक फफोले में परिवर्तित हो जाते हैं। शिंगल्स के कारण त्वचा में जलन और खुजली होने लग जाती है और त्वचा अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पित्ती यानी कि हाइव्स की, तो पित्ती के कारण खुजली, जलन और चुभन महसूस हो सकती है और इससे कारणों में तापमान, गले में इन्फेक्शन, दवाओं से एलर्जी, खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले अन्य पदार्थों जैसे कि मसाले वगैरह शामिल है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सोरायसिस की, तो मोटे तथा लाल रंग के धब्बे जो कि सफ़ेद तथा चांदी रंग की परत से ढके हों, ये सोरायसिस के संकेत होते हैं और इसके धब्बे आमतौर पर सिर, कोहनी, घुटने या फिर पीठ के निचले हिस्से के आसपास विकसित होते हैं और ये जिंदगी भर अपने आप आते और जाते रहते हैं। तो सो बात की जाए एक्जिमा की, तो एक्जिमा कई गैर संक्रामक स्थितियों के लिए एक पोटली की तरह होता है जो कि सूजन, लाल, सूखापन और खुजली वाली त्वचा का कारण बनते हैं। तनाव उत्तेजित करने वाले पदार्थ जैसे कि साबुन, डिटर्जेंट, एलर्जिक पदार्थ और जलवायु वगैरह इसके लक्षणों को और भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए रोजेशिया की, तो इसमें आसानी से लालिमा होने की प्रवृत्ति होती है जिसमें कि नाक, ठोड़ी, गाल और माथे पर लाली होना रोजेशिया हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मुंह के आसपास छाले होने की, तो इनको बुखार के घाव भी कहा जाता है क्योंकि अक्सर बुखार में मुंह और होठों पर पीप से भरे छाले निकल जाते हैं। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के कारण मुंह और नाक के आसपास दर्दनाक पीप से भरे छोटे छोटे फोड़े बन सकते हैं और इसके अलावा ये अत्यधिक धूप, तनाव और हार्मोनल में बदलाव के कारण भी हो सकता है जैसे कि पीरियड्स वगैरह। दोस्तों बात की जाए पिंपल्स यानी कि एक्नी की, तो जब तेल से भरे हुए रोम कूप और बेजान त्वचा कोशिकाओं में सूजन आती है तो पिंपल्स निकलने लग जाते हैं। बैक्टीरिया और हॉर्मोन्स के द्वारा शुरू किए गए पिंपल्स आमतौर पर ज़्यादातर चेहरे, छाती और पीठ पर दिखाई देते हैं। दोस्तों बात की जाए दाद की, तो दाद एक अत्यधिक संक्रामक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कि त्वचा पर लाल या फिर चांदी रंग का गोल और परतदार धब्बा बनाता है और इसमें खुजली और जलन भी हो सकती है। और बात की जाए दोस्तों खसरा की, तो खसरा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो कि आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। खसरा से होने वाले चकत्ते जो है वो लाल और भूरे रंग के मुहासे जैसे होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कारण है कि जिनसे त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं, ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं जिनसे कि त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि त्वचा पर होने वाले इन चकत्तों की रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसका क्या प्रिवेंशन है। तो दोस्तों ज़्यादातर चकत्तों की रोकथाम करना काफ़ी मुश्किल होता है, हालांकि कुछ विशिष्ट चकत्ते हैं जिनकी रोकथाम की जा सकती है। जिन लोगों को संक्रामक चकत्ते हो उन लोगों से बचें। एलर्जिक चकत्तों के लिए उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें जो कि एलर्जी का कारण बनती है। सनबर्न से बचने के लिए सनस्क्रीन का उपयोग करें और अगर आपको एक्जिमा उभरने की समस्या है तो अधिक कठोर साबुन का इस्तेमाल ना करें। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि त्वचा पर ये जो चकत्ते होते हैं इनका निदान कैसे किया जाता है, इनका परीक्षण कैसे होता है। तो दोस्तों त्वचा के चकत्तों का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर मरीज का शारीरिक परीक्षण करेंगे और उसकी पिछली मेडिकल जानकारी के बारे में पूछेंगे। चकत्तों का रंग, जगह, फैलाव और चकत्तों से जुड़ी खुजली वगैरह डॉक्टरों को इस रोग के निदान करने में मदद करती है। और अन्य टेस्ट जो कि आवश्यक हो सकते हैं उनमें हैं पूर्ण रक्त गणना यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, स्किन बायोप्सी यानी कि त्वचा से सैंपल निकालकर उसका परीक्षण करना, साथ ही साथ एलर्जी के लिए विशिष्ट खून टेस्ट करना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि त्वचा पर जो ये चकत्ते होते हैं इनका इलाज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों
त्वचा पर हुए चकत्तों का इलाज उनके अंदरूनी कारणों को ठीक करने के रूप में किया जाता है। हालांकि कुछ आधारभूत उपाय हैं जो कि त्वचा पर हुए चकत्तों को ठीक होने की गति को तेज कर सकते हैं और उनसे संबंधित तकलीफ को कम कर सकते हैं, जैसे कि हल्के साबुन का उपयोग करें जो कि सुगंधित ना हो, गर्म पानी से उन्हें ना धोए उसकी बजाय गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें, चकत्तों को खुला रखें, उनको किसी पट्टी वगैरह से ढकने की कोशिश ना करें, चकत्तों को रगड़ें या फिर खुजाएं नहीं, ऐसा करने से इन्फेक्शन हो सकता है। अगर चकत्ते सूखे हैं जैसे कि एक्जिमा, तो मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। ऐसे किसी लोशन या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें जो कि चकत्ते उत्पन्न कर सकते हैं। इन्फेक्शन के खतरे से बचने के लिए चकत्तों को किसी प्रकार की खरोंच लगने से बचाएं। हाइड्रोकॉर्टिजोन क्रीम खुजली को कम कर सकती है और कैलेमाइन कुछ प्रकार के चकत्तों को दूर कर सकता है, जैसे कि पॉइजन आईवी और चिकन पॉक्स। अगर चकत्तों के कारण हल्का दर्द या खुजली हो रही है तो एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन दवाएं मदद कर सकती हैं, लेकिन ये दीर्घकालिक समाधान नहीं है और ना ही ये चकत्ते के कारणों का इलाज कर पाती है। इनको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से बात करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।